आपने अक्सर न्यूज में देखा या फिर सुना होगा कि नक्सलवादियों ने हमारे जवानों पर हमला कर दिया जिसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए। तो आज हम यही बात करेंगे कि नक्सलवादी होते कौन हैं और हमारे भारत देश में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, एक होता है आतंकवाद और एक होता है नक्सलवाद। वैसे तो दोनों ही भारत के लिए आज एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुके हैं, लेकिन आतंकवाद तो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ही बड़ा खतरा है। देखिए, नक्सलवादी अपने ही देश के लोग होते हैं जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, और आतंकवाद वो होते हैं जिनका एक ग्रुप या फिर संगठन होता है और ये अलग अलग देशों की सरकारों के साथ मिलकर उन देशों के जो दुश्मन देश होते हैं उनमें घुसकर हिंसा या फिर धमाकों को अंजाम देते हैं। जैसे कि मुंबई के ताज होटल में 26/11 अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब बात करते हैं कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, 1960 के दशक में भारत में किसानों की दुर्दशा बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। इसके अलावा बाल मजदूरी एवं बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और ठेकेदार एवं जमींदार जैसे लोग गरीब मजदूरों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, और जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती थी वो गरीब मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा था। तो किसानों की इस दुर्दशा को देखकर कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेता चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया, और ये आंदोलन सिर्फ देश में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था। लेकिन बाद में ये आंदोलन अपने ही रास्ते से भटक गया। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से ये आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में जहां एक तरफ अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो नक्सलवादी यही चाहते थे कि सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, लेकिन अब नक्सलवादी इस रास्ते से भटककर एक गलत रास्ते पर निकल चुके हैं। 2005 से पहले नक्सलवादी हमले ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन 2005 में छत्तीसगढ़ में महेंद्र कर्मा नाम का एक नेता था। उन्होंने सलवा जुडूम नाम के एक आंदोलन को चलाया और इस आंदोलन के तहत उसने गांव वालों को हथियार दे दिए और कहा कि तुम्हें जहां भी नक्सलवादी मिले उन्हें मार डालो। तो गांव वालों ने बहुत सारे नक्सलवादियों को मारा भी था, लेकिन जो 16 से लेकर 25 साल की उम्र के जो लड़के थे उन्होंने नक्सलवादियों को छोड़कर अपने ही दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बंदूक की नोक पर बहुत सारी लड़कियों का रेप भी किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम के इस आंदोलन को बंद कर दिया। सलवा जुडूम में जो लोग काम करते थे उन्हें 3,000 रुपए महीना सैलरी भी दी जाती थी। 2009 से लेकर 2019 तक यानी कि इन 10 सालों में नक्सलवादियों ने 2,045 हमले किए जिनमें 2,191 आम नागरिकों की मौत हुई और 1,342 जवान शहीद हुए। नक्सलवादी ज्यादातर हमले पतझड़ के मौसम में करते हैं जो कि अप्रैल से जून के महीने में होता है, क्योंकि जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं तो नक्सलवादी हमारे जवानों को आसानी से देख लेते हैं और हमला कर देते हैं। नक्सलवादियों के पास देसी हथियार होते हैं और इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जब ये नक्सलवादी हमारे जवानों को मार देते हैं तो उनके हथियारों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उन्हीं हथियारों से बड़े बड़े हमलों को अंजाम देते हैं, क्योंकि इंडियन फोर्सेस के हथियार काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होते हैं। नक्सलवादी अपनी गोलियों का हिसाब किताब एकदम सटीक रखते हैं क्योंकि इनके पास गोली बनाने का कोई भी कारखाना नहीं होता है, बस ये ऐसे ही इधर उधर से हथियार लूट कर लाते हैं। नक्सलवादियों की आय का मुख्य स्रोत है टैक्स लेते हैं। जैसे अगर इनके इलाके में कोई कारखाना या फैक्ट्री है तो ये उससे टैक्स लेते हैं। अगर फैक्ट्री वालों ने इन्हें टैक्स देने से मना कर दिया तो नक्सलवादी उसकी फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, और जंगलों से जो वाहन गुजरते हैं ये उनसे भी उनका रास्ता रोककर टैक्स लेते हैं। आजकल अर्बन नक्सलवाद यानी कि शहरी नक्सलवाद भी चल रहा है। शहरी नक्सलवाद में आपके टीचर, प्रिंसिपल या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है। ये लोग शहर में एकदम आम नागरिक की तरह रहते हैं और वहीं से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक देश का जासूस दूसरे देश में जाके जासूसी करे। 2008 में 11 राज्यों के 233 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2019 में 11 राज्यों के केवल 90 जिले ही नक्सल प्रभावित हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं बिहार जैसे राज्यों में नक्सलवाद ज्यादा है, और जिस जगह पर नक्सलवाद होता है उस जगह को रेड कॉरिडोर नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी संगठन का सबसे खतरनाक कमांडर हेडमा है। हेडमा PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की फर्स्ट बटालियन का हेड था। गुरिल्ला आर्मी का मतलब होता है जो छुपकर हमला करते हैं, यानी कि एकदम निकल कर आते हैं और दो चार लोगों को मारकर वापस छुप जाते हैं। हेडमा इतना ज्यादा खतरनाक है कि नक्सलवादी इसके चारों तरफ लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में पहरा देते हैं। हेडमा 90s के दशक में नक्सलवादी आंदोलन में शामिल हुआ था। सरकार ने इस पर 40 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, क्योंकि आज तक जितने भी खतरनाक नक्सलवादी हमले हुए हैं उनमें हेडमा का ही हाथ था। ये हेडमा की लगभग 20 साल पुरानी फोटो है। हेडमा की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है कि तब से लेकर आज तक हेडमा को किसी ने भी नहीं देखा है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो जवान नक्सलवादी ऑपरेशन में जाते हैं उनके हथियारों में GPS सिस्टम लगा देना चाहिए, जिससे कि अगर नक्सलवादी हमारे जवानों को मार के उनका हथियार लेकर भागते हैं तो उन्हें हम आसानी से ट्रेस कर
कर सकते हैं। इसके अलावा हथियारों में सेल्फ ब्लास्ट डिवाइस भी लगा देना चाहिए, जिससे कि हम अपने हथियारों को दूर से ही एक रिमोट के द्वारा ब्लास्ट कर सकें। जब आतंकवादी अफगानिस्तान में मारते थे तो अमेरिका ने अपने जवानों के हथियारों में सेल्फ ब्लास्ट डिवाइस लगा के उन्हें अफगानिस्तान भेजा था, जिससे कि अगर आतंकवादी अमेरिका के जवानों का हथियार छीनकर भागते थे तो अमेरिका उन्हें एक रिमोट के द्वारा ही दूर से ही ब्लास्ट कर देता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा।